अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की, एपिसोड 21। प्रीवियस पार्ट पे हमने जाना था जो मायशा है वो बहुत अच्छी से ध्यान रखती है पंखुरी का। तो सुबह जब पंखुरी उठती है वो सब कुछ देखती है कि वो समझ जाती कि पंखुरी जो मायशा है वो बहुत अच्छी से ध्यान रखी है उसका रात भर जाग के। तो उसे अंदर से बहुत अच्छी लगती है, सुकून मिलता है, उसे खुशी मिलती है और मन ही मन में बोलती है कि ये प्यार तो करती है, बस एहसास नहीं दिखाती है मुझे, या फिर ये ना समझ की ढोंग कर रही है। बस मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन इसको अपने मुंह से कबूल तो करनी ही होगी कि इसको भी मुझसे प्यार है। फिर उधर जब अबीर आता है वो ऑफिस के लिए बोलती है मायशा को, लेकिन मायशा नहीं बोलती। मायशा बोलती कि मैं लीव पे हूँ, आप चले जाओ। तो अबीर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की कभी भी लीव नहीं ली ऑफिस से, एक दो बार ली है अपनी मॉम की वजह से हेल्थ कंडीशन के, आज वो लड़की इस यूं अचानक ऐसे लीव एप्लीकेशन अप्लाई की है, तो ये शॉकिंग था अबीर के लिए। फिर वो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करता क्योंकि लेट हो रहा था, तो वो चला जाता है। जो पलक पंखुरी ये दोनों आँखों आँखों में बात कर रहे, तो पलक एकदम से आँख मार देती है पंखुरी को, और फिर वो मायशा को बोलती कि तुम कल से ठीक से खाए नहीं हो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, तुम आ जाओ। तो मायशा बोलती है हाँ ठीक है, आप जाइए मैं आती हूँ। तो देखते हैं आगे, पंखुरी जब पलक पंखुरी को आँख मारती है, सॉरी, जो पलक पंखुरी को आँख मारती है तो पंखुरी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो जब वो स्माइल मायशा देखती है तो उसे सुकून मिलता है। वो अपने मन में ही बोलती है कि चलो अच्छी बात है, इनकी फेस पे स्माइल तो आई, अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। फिर पंखुरी बोलती क्या सोच रही तुम? तो मायशा अपनी ध्यान से बाहर आती है, बोलती कुछ नहीं मैं आप रेस्ट कर लो, मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट करके आते, बोलते और बोलती है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दो। तो बोलती है सही बता दूँ? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है देखो चाहिए तो बहुत कुछ। तो मायशा बोलती है हाँ ठीक है बताइए क्या क्या चाहिए। तो बोलती है अच्छा। तो वो थोड़ा करीब आती है मायशा के, जब मायशा देखती कि पंखुरी उसके करीब आ रही तो उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है और वो सॉरी यार नींद आ रही है बहुत। तो बोलते हैं कि वो बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो पंखुरी बोली कुछ नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ ही नहीं कर रही हूँ। तो एकदम से जो हो मायशा दीवार के साथ लग जाती है, जो पंखुरी हो वो अपनी दोनों हाथों से जो ब्लॉक कर देती है मायशा को, बोलती है तो दे दो। तो मायशा एकदम से बोलती क्या दे दूँ? तो बोलती हाँ तुमने तो कहा ना मुझे अगर कुछ चाहिए तो तुम दे दोगे। तो बोलते हाँ दे दूँगी, क्या चाहिए आपको? तो बोलती तो ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं, तुम दे दो मुझको। तो मायशा बोलती समझी नहीं क्या मतलब मैं दे दूँ? तो बोलती हाँ शादी कर लो मुझसे। तो जब मायशा शादी की बात सुनती तो फिर थोड़ी सी वो चिढ़ जाती है और बोलती है देखिए मैडम मैंने आपको कल इतना समझाया, आप फिर भी वही बात पे अटकी हुई हो। तो पंखुरी भी बोलती है हाँ क्योंकि मुझे उस वही बात पे तो अटकी रहूँगी ना, और कौन सी बात पे मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ करूँगी, मैं वही बात से अटकी रहूँगी, प्यार करती हूँ तुमसे। तो जो है मायशा एकदम से बोलती लेकिन मैं नहीं करती। तो पंखुरी बोलती अच्छा तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? तो बोलते नहीं है, वो आंखें झुका के बोलती है कि नहीं है फीलिंग्स, कितनी बार तो बोली। तो बोलते अच्छा।
तो फिर वो उसकी करीब जाते हैं और एकदम से जो है पंखुरी मायशा की दिल में अपना हाथ रखती है। जब वो हाथ पहले से ही तो जो मायशा की हार्ट बीट फास्ट थी, अब जब उसको तो उसने उसकी हार्ट पे अपना हाथ रखा तो जो मायशा की तो है ही क्या हालत, बाप रे, उसको एकदम से पसीने आने लगते हैं और वो एकदम से जो है पंखुरी की हाथ जल्दी में हटाती है वहाँ से। और पंखुरी जब देखती है तो अंदर ही उसे एहसास होती है कि चलो ठीक है, इसे फीलिंग्स तो है बहुत ज़्यादा। तो बोलती क्या हुआ इस एसी में तुम्हारी, तुम्हें पसीना क्यों आ रही है? तो मायशा बोलती कुछ कुछ नहीं, आप हटो सामने से। तो बोलती क्यों हटो, तुमने कहा कि मुझे जो चाहिए तुम दोगे तो शादी कर लो ना, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मायशा थोड़ा और चीज जाती है तो वो एकदम से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लो हाई वॉइस में बोलती कि यार हर बात का आपका ये है, हद नहीं हो गई आपकी? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, नहीं हो सकता, लेकिन आप तो अपने में ही हो। तो वो एकदम जो पंखुरी है वो एकदम से जो उसका कॉलर पकड़ तो बोलते सुनो अपना ये टोन थोड़ा नीचे करो, समझो बहुत कुछ सुनाया तुमने, अब तक बहुत कुछ सुना दिया तुमने और मैंने चुपचाप सुनती रही, यहाँ तक भी तुम तो मेरे भाई हैं, कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया तब भी मैं सुना, तो कभी कभार खुद भी सुनने की क्षमता रखो। और रही बात चाहने की, तो मैं तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ तुमको, दे दो वो मुझे। तो बोलती नहीं दे सकती, ये नहीं हो सकती। तो बोलती क्यों नहीं हो सकती, ये लॉजिक बताओ मुझे। और हाँ ये दो लॉजिक मत देना कि तुम एक लड़की हो मैं एक लड़की हूँ और तुम बांग्लादेश में हो मैं इंडिया से हूँ, ये लॉजिक तो काइंडली मत ही दो। 2021 में अगर तुम इस बारे में बात करने में हिचकिचाती हो तो तुमसे ज़्यादा डम्ब इस दुनिया में कोई नहीं है हमेशा। तो बोलती आप इस दोनों से नज़रअंदाज तो नहीं हो सकते। तो बोलती यार तुम ना टॉपिक चेंज मत करो मायशा, मैं जो बोल रही हूँ उसका तुम मुझे सही जवाब दो और ढंग का लॉजिक दो मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम तो बोलती हो तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरी करीब आने पर ही तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। तुम तो चलो झूठ बोल भी लेते हो लेकिन तुम्हारे इस दिल तो झूठ नहीं बोलती, इसे कैसे समझाओगे? कंट्रोल्स तो तुमसे होता नहीं है, मेरी करीब आने से ही इसका धड़कनें तेज हो जाती है, उसे ही तो समझ में आ जाती है ना। तो तुम तो बस वो लॉजिक मत दो कि तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है और ख़ास करके ये कि हम दोनों लड़कियां हैं ये वो। तो बोलती देखिए मैं ठीक ठीक नहीं हूँ आपके लिए, आप क्यों नहीं समझ रहे? तो पंखुरी का आप थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि पहले से ही कुछ चीज़ें उसके दिमाग में चल रही, तो वो एकदम से बोलती है उसको कॉफी से कॉलर पकड़ के, क्या क्या तुम डिसाइड करोगी कि तुम ठीक हो कि नहीं? सामने वाले इंसान के ऊपर छोड़ दो कि वो क्या समझते क्या नहीं, तुम अपने में रहो तो मुझे डिसाइड करने दो कि तुम सही हो या गलत, फालतू का बकवास मत करो। तो मायशा एकदम से बोलती पहले तो आप मुझे उतारो, सॉरी वो बोलते पहले तो आप मेरी कॉलर छोड़ो, हर बार आप कॉलर पकड़े। तो बोलते हाँ तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, तुम हरकतें ही कुछ ऐसे करती हो। तो मायशा एकदम से बोलते अरे छोड़िए मुझे और प्लीज़ आप दूर रहिए मुझसे, अब जो चाहती है वो कभी नहीं हो सकती। तो पंखुरी को गुस्सा आ जाती, बोलते तुमने ना जितना मुझे बोलना था तुमने बोल लिया, आप मेरी बात सुनो,
तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है महिषा। तो महिषा एकदम से बोलती कि जबरदस्ती है। तो अंकुरी एकदम से बोलती, अगर ये अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, हाँ है जबरदस्ती। मैं करती हूँ प्यार तुमसे और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं, तो अपने प्यार के लिए सॉरी, तुरते अपने प्यार का प्यार के लिए हक मानना कोई बुरा नहीं है, ऐसा मुझे मानना है। तो बोलती यार प्लीज़ मैडम, आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप तो ज़बरदस्ती पे उतर आई। तो बोलते हाँ तो ऐसे ज़बरदस्ती मानो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसे तुम ज़बरदस्ती कहते हो तो ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन मुझे तो तुम चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो तुम्हारी इधर उधर की जो बेफुजुल जो लॉजिक है ना, वो अपने पास ही रखो। थोड़ी सी जो मायशा है उसको अब थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, तो वो एकदम से जो है पंखुरी को थोड़ा साइड करके और बोलती है, देखिए आपका बहुत हुआ, इतनी देर में आपकी बात सुन रही थी, अब बहुत हुआ, आप रहो, खुद का ध्यान रखो, मैं जाती हूँ। तभी तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, यूँ कायोरी की तरह हर बार भाग नहीं सकती तुम, या तो खुद से झूठ बोलना बंद कर दो या फिर मुझसे। चलो तुम लॉजिक बताओ मुझे, मुझमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं तुम्हें नहीं पा सकती, क्यों बोलो क्या प्रॉब्लम है कंट्री की, कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, बांग्लादेश में, मैं इंडिया से हूँ बांग्लादेश पे नहीं, इसलिए ये कोई इशू नहीं है मुझे, तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, और ना ही वो ही। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम हमें थोड़ी ना जेंडर से कोई लेना देना होता है, प्यार तो प्यार है, हो जाती है, इसमें कौन क्या कर सकता है। तो महिषा बोलती है, बहुत हुआ, आपने बहुत, आप बहुत बोल रही हो, मैं समझाने की कोशिश करते जा रही हूँ लेकिन आप नहीं समझना चाहते, तो मैं अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जाती हूँ। तो जब वो जाने लगती है तो पंखुरी फिर उसके कॉलर पकड़ते और अपनी तरफ खींचते, भाई क्या है हर बार कॉलर पकड़ लेती है पंखुरी। तो फिर जब महेश एकदम बोलती, आप प्लीज़ कॉलर छोड़ो यार, तो बोलती है क्या मेरे बातों की, मेरे सवालों की आंसर दिए बिना तुम नहीं जा सकते। तो महेश एकदम बोलो, कौन से सवाल, क्यों आंसर देना है, मुझे देना ही नहीं है आंसर। तो जो पंखुड़ी है बोलती है, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तो वो एकदम से बोलती है, अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रही हो आप, प्रॉब्लम बहुत कुछ है, पहले हम दो लड़कियां हैं, फिर बहुत सारे, फिर ये कंट्री डिफरेंस है, फिर फैमिली इशू भी है, आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है। तो पंकज एकदम से बोलती, ये नाटक नहीं है, मेरा प्यार है, और खबरदार जो इसे मेरे प्यार को तुम नीचा दिखाने की कोशिश करो तो। फैमिली इशू, तुम अब ये लॉजिक दे रही हो कि फैमिली इशू, फैमिली लोग, फैमिली के लोग क्या कहेंगे, ये इशू दे रही हो। जब कोई ढंग का नहीं मिला तो तुम एक चिपका दिए। तो जो मायशा है वो बोलती, क्या चिपकाया मैंने, सही तो बोला ना, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आप जो सोच रही हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप क्यों नहीं समझ रही हो। और यहाँ ये इंडिया नहीं है, बात को पहले समझो, ये बांग्लादेश है, यहाँ के लोगों की सोच अलग है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि फैमिली भी ये रिश्ते को। तो जो पंखुड़ी हो वो एकदम से गुस्से में आ जाते, बोलते अच्छा तो तुम अब, तुम्हें अब फैमिली इश्यूज हो गए हैं कि फैमिली नहीं मानेंगे ये वो। तो
महिषा चुप हो जाती, बोलती ये तो सच ही है ना, झूठ तो नहीं बोल रही मैं। तो अच्छा ठीक है, फैमिली इशू ना, फैमिली ठीक है आओ। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और खींच के उसको रूम से निकालती है और सीढ़ियों से उतर के नीचे आती है। जब नीचे आते वो एकदम से चीखती है, पलक कहाँ है तू? पलक? तो जो पलक है वो, और जो है पलक वो किचन में कुछ कर रही थी, तो वो भाग के आती है, बोलती क्या हुआ? ठीक है। तो जब वो देखती है कि कैसे किस तरह से उसने महिषा के हाथ को पकड़ी, तो बोलती क्या कर रही है, छोड़ इसको। तो बोलते साइड हट, बात करने दे। तो ही जो है इनकी चीखने की वजह से जो है पलक की जो सासू माम वो भी आ जाती है। महिषा की माम उस वक्त नहीं थी, वो महिषा की जो छोटा भाई है उसे स्कूल छोड़ने गई थी। तो सिर्फ पलक और उसकी सासू माम थी। तो एकदम से पलक तो वो तो घबरा रही थी कि ये इतनी गुस्से में क्यों है, क्या करने वाली है, क्या सोच रही है। वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और वो पंखुरी की तरफ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, क्यों कर रही है, चुप हो जा, क्या सोचेंगे। तो बोली यार बहुत हुआ सोचना, ढंग का कोई इसके पास लॉजिक नहीं है, ये आप फैमिली इशू खड़ी कर रही है। तो मैं इसको समझाने आई हूँ कि फैमिली इशू है ना इसको। तो मायशा तो एकदम शॉक होती है इसकी इस तरह बिहेव से। वो बस एक टक पंखुरी को देखती है और पलक की तरफ एक बार देखती है, पंखुरी की तरफ देखती है। पलक तो भाई वो घबरा रही थी कि ये बंदी आप क्या करेगी गुस्से में आकर। तो जो महिषा है वो एकदम से हाथ छुड़ाती है पंखुरी से, बोलती देखिए आप अपने रूम में जाइए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है और हम बाद में बात करेंगे। तो पंखुरी एकदम से बोलती क्यों, अब क्यों बोलती बंद हो गई, तुम्हारी फैमिली इशू है ना तुम्हें, चलो मैं क्लियर तो करती हूँ तुम्हारी फैमिली इशू का, क्लियर कर देती हूँ। तो महिषा एकदम से बोलती क्लियर कर देती हूँ, क्या मतलब है आपका? तभी वो एकदम से जो है पलक की सास की तरफ देखती है, बोलती इनकी मॉम कहाँ है? तो बोलती ये तो उसके छोटे भाई को छोड़ने गए। तो बोलते अच्छा, सुनो डार्लिंग मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जब ये बोलती तो मायशा एकदम से बोलती कि क्या बोल रही हो आप, पापा पापा अपने रूम में जाइए, हम बाप मैंने बोला ना कि बाद में बात करेंगे। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती जस्ट शट अप ओके, अपनी मुंह बंद रखो, तुम्हें फैमिली इश्यूज थे ना, मैं क्लियर करती हूँ और अब एक वर्ड भी नहीं निकालोगी मुंह से। तो वो एकदम से पलक की सासू माँ की तरफ जाती है, पलक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो रोकने की कोशिश करती है पंखुरी को, लेकिन पंखुरी उसे भी बोलती है तू साइड हट और मैं मेरे बीच में मत आइयो, मुझे बोलना। तो एकदम से पलक की सास की तरफ जाती है और बोलती है डार्लिंग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, है पहले जज मत करना मुझे, पहले आप पूरी बातें सुनो मेरी, फिर आपको जो बोलना है वो बोल देना। तभी वो एकदम से बोलती है पंखुरी ना सॉरी सलक पलक की सास, बोलती है क्या आखिर हुआ क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस हालत पे ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तो बोलती है देखो डार्लिंग तबीयत गई तेल लेने, आप पहले मेरी बात सुनो। तो बोलते ठीक है आराम से बोलो, इतनी क्या गुस्सा। तो बोलती मैं इससे प्यार करती हूँ, एकदम से बोलती है पलक की सासू माँ से। तो पलक की सासू माँ बोलती है किससे? तो बोलती है महिषा से। तो बोलती है तो उनको वो पहले तो समझ नहीं पा रही थी। तो बोलती है प्यार करते हो? हाँ ठीक है कोई बात नहीं दोस्त है। तो बोलती नहीं दोस्त की तरह प्यार नहीं करती, एक कपल जैसे जीजू पलक को प्यार करती है वैसे ही मैं इसको प्यार करती हूँ। तो उसकी पलक की सासू माँ तो एकदम शॉक हो जाती है, वो घूर के पंखुरी को देखने लगती है। मायशा तो उससे ज़्यादा शॉक हो जाती है, पंखुरी
और उधर पलक की हालत एकदम खराब हो, जो अपने सर पे हाथ मारती बोलती ये क्या कर दिया इसने। और यहाँ पे ये ट्विस्ट आता है कि जो मायशा की मॉम है, वो जब मायशा की छोटे भाई को जब स्कूल छूट के वो वापस आ गई थी, और बस वो डोर में डोर के बाहर ही थी, जब माय पंखुड़ी एकदम से बोलती कि मैं इसे प्यार करती हूँ, और जब बोलती है कि अभी जैसे पलक को प्यार करती है मैं इससे करती हूँ, वो ये बात सुन लेती है। तो भाई सब लोग तो एकदम शॉक हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो मायशा शॉक हो जाती कि ये क्या बोल रही है। तो वो भाग के आती है और पंखुड़ी को बोलती ये क्या बोल रही हो आप, पापा आपके दिमाग ठीक है? तो बोलते तो वो थोड़ा सा पुश करते हैं, बोलते तुम छोड़ो मुझे, फैमिली इशू है ना तुम्हें, फैमिली के चक्कर में बोल रही थी, लॉजिक दे रही थी ना मुझे। तो वो एकदम से पलक की सास की तरफ देख के बोलते तो डार्लिंग बताओ इससे मैं प्यार करती हूँ, हो गई मुझे, नहीं पता मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैं अपने आप फीलिंग आ गई, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसको, इसमें मेरी क्या गलती, ज़रा आप बताओ। क्या प्यार कुछ अलग डिसाइड करते हैं कि हम जानबूझ के, जिसे हमें जानबूझ के हम किसी को सिलेक्ट करते हैं और ज़बरदस्ती उससे प्यार करते हैं, ऐसा कोई होता है क्या? ये एक फीलिंग है जो ऑटोमेटिक हो जाती है, मुझे भी हो गई, मेरे बस में नहीं थी, लेकिन इसका तो भाई लॉजिक ही अलग है। जब मैंने पहली बार इसको बोला, कुछ सिचुएशन हुई, तब जाके इसने मेरी कैरेक्टर पे तोहमत लगा दिया। तो जब ये बात सुनती है तो पलक एकदम मायशा की तरफ देखती है, तो मायशा जब ये देखती है तो वो आंखें झुका लेती है। तो पलक की सास भी बोलती कैरेक्टर पे तोहमत मतलब, तो वो एकदम से बोलती है कि भाई पंखुड़ी कौन सी जोश में थी यार, वो एकदम से बोलती है एक मोमेंट हुआ, आप पहले मेरी बात समझो ठीक है। तो बोलती तुम बोलो मैं सुन रही हूँ, एक मोमेंट हुआ मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तब से जब से मैंने इसे पहली बार देखी थी, तब से अच्छी लग गई थी ये मुझे, धीरे धीरे जब मैं इसे जानने की कोशिश की तो इसका जो नेचर है प्यार हो गया मुझसे इससे। तो उस दिन तो वो पूरी सिचुएशन बोलती है, जब ये आती है एक छोटा सा मोमेंट हो जाती है, किस हो जाती है, तब जो भी इसने कहा, तो जब ये सब कुछ पलक सुनती है तो पलक को मायशा के ऊपर इतना गुस्सा आती है, तो वो जाती है, वो कुछ करती तो नहीं लेकिन वो जाती है, बोलती मायशा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या जानती हो तुम उसके बारे में, यह मुझे पता है वो तुमसे प्यार करती है। तो मायशा फिर घूर के पलक को देखती है, तो पलक बोलती से यू मत देखो मुझे, मुझे पता है, पहले जिस दिन से वो जो विकास ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी ना, उस दिन से मुझे ये एहसास हो गया था। मैंने कुछ बोली तुमको? बोली नहीं बोली, इसने मुझे बताया, मैंने डायरेक्टली इससे पूछा, इसने मुझे सारी चीज़ें बोली, मैंने बोला भी था इसको कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पता नहीं इसको कौन सी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको मैंने इतना बोला लेकिन ये समझना ही नहीं चाहती थी, वही हुआ ना जो मेरा डर था। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुम यार कैरेक्टर पे तोहमत तो ना लगाओ। माशा कुछ नहीं बोलती, वो बस आंखें झुकाई हुई रखती है, और डोर पे खड़ी हुई माशा की मॉम सारी बातें सुन रही है। और इधर जो पंखुरी है वो बोलती है, वो पूरी सिचुएशन जब बताती है तो एकदम से जो पंखुरी पलक की तरफ आती है, बोलती सुन
तू मेरे बहन है, ठीक है, आई नो तू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये चीज़ जो है मैं इसके और मेरे बीच में है, तू इसमें ना बोल तो अच्छा है। अगर मैं तुझे ये सब चीज़ें बताती तब तू बोल पाती, लेकिन मैंने तुझे नहीं बताई क्योंकि ये चीज़ अलग है। वो अभी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सिचुएशन समझा नहीं है बस। तो इसे कुछ मत बोल प्लीज़, जो भी है जैसा भी है प्यार करती हूँ। उसका इंसल्ट या फिर उसे कुछ कोई और कुछ उसको कुछ बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो तो खुद क्यों ना हो। भला किस बात को समझती है और कुछ नहीं बोलती, जो पलक की सास है वो तो क्या बोले, वो शौक थी, मिक्स फीलिंग होती है, शौक थी। वो अब बोले तो क्या बोले, तभी एकदम से जो है मायशा की मोम अंदर आती है, बोलती तुम्हारी दिमाग ठीक है? तभी जो है पलक पंखुरी, जो पलक की सास एकदम से पीछे मुड़ती है, जब देखती है मायशा की मोम को तो वो लोग थोड़ा, पंखुरी तो भाई अपने ही तशन में थी फुल, पता नहीं कौन से जोश में थी वो नहीं घबराती है, वो स्ट्रेट खड़ी होकर उनकी तरफ मुड़ती है, जो पलक और पलक के सासों में ये लोग थोड़ा, वो होता है ना कि आप रिएक्शन क्या आएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगी, तो वो चीज़ होता है, तो ये लोग थोड़ी सी घबरा जाती है। सबसे हालत ख़राब तो हमारी मायशा की हुई, फटी पड़ी थी उसकी। हाय क्या बात है, क्या किस्मत है इसकी। तो पंखुरी एकदम से उनकी तरफ जाती है, तो बोलती है नहीं मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं जो भी बोल रही हूँ अपनी होशो आवाज़ में बोल रही हूँ। मायशा की मॉम जो है वो साइड पर आके एकदम से जो है सोफे पे बैठ जाती है, वो शौक में है, शौक में थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि मायशा की मॉम क्या बोलती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चलिए खुद का ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना, ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़।